उसमें तो सर यूपी कॉप तो बंद ही कर देंगे या उसको पता है फ्रॉड होने लगे, फ्रॉड होने लगे अब युवकों का नाम देख के। हाँ फ्रॉड कॉल करते थे, बता दिया था कि मैं फलाना पुलिस का बन रहा हूँ, जैसे फोटो ले लो उसका क्लिक कर दूंगा। बिल्कुल सर समय लगेगा पहले कह तो धारा पता हो जाएगा ना, तो उसका फौरी दिमाग में अभी कुछ वो ट्रांजिशन स्टेज में है थाना जैत और एसओजी टीम को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें कल मुखबिर की सूचना पे एक व्हीकल इनोवा क्रिस्टा व्हीकल की तलाश में हमारी पुलिस टीम ने घेराबंदी की थी। उस घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के उपरांत दो अपराधी इसमें घायल हुए, जिनमें एक का नाम हीरा है जो कि बीकानेर का रहने वाला है और एक का नाम रवि ठाकुर है जो मथुरा का रहने वाला है। ये दोनों घायल हुए और इनके दो अन्य साथी लक्ष्मण और राहुल ये गिरफ्तार हुए। लक्ष्मण जो है वो चूरू राजस्थान का रहने वाला है और राहुल मथुरा का रहने वाला है। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद जो वाहन की तलाशी हुई तो उसमें असलहे के साथ साथ 10,35,000 नगद बरामद हुआ और ये गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई है ये बरामद हुई। और इनसे जब पूछताछ हुई तो ये बात पता चला कि इस ग्रुप द्वारा कर्नाटका के बेलगाम में एक डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसमें एक व्यापारी का कैश जा रहा था जिसको इन्होंने रास्ते में ओवरटेक करके रोक के उसको लूट लिया था और तब से ये फरार चल रहे थे। तो इसमें पूछताछ में तीन अपराधियों के और नाम आए हैं, जिसमें दो अभी फरार हैं और एक अपराधी को पुलिस ने पहले पकड़ लिया था वहाँ पे। शेष जो दो अपराधी हैं उनके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं जो अभी फरार हैं और इस तरह से एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य एसओजी और थाना जैत की टीम ने किया है। इसको इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 25,000 का इनाम मेरे तरफ से घोषित किया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।